तो क्या बता रहा है समम को? मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विच आर करेंटली सेलिंग एट रुपीज सिक्स हंड्रेड इच ही एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ द शेयर मे गो अप टू सेवन और मे गो डाउन टू फोर एटी इन थ्री मंथ्स। द चांसेज ऑफ अकरिंग ऑफ सच वेरिएशंस आर सिक्सटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट अब ये इनको लग रहा है it is 60% chances that the price may shoot up to 780 and 40% chances that the price may go down to 480 respectively okay you would be wondering that probabilities are given you can just pause the video do the sum yourself and then come back a call option on the shares of abc limited can be exercised at the end of 3 months with a strike of 630 वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ ही वॉन्ट्स अ परफेक्ट हैच कुछ नहीं बायोनॉमल मॉडल में हम लोग ने जो स्टार्टिंग में इक्वेजन मैकेनिज्म किया था उसी के ऊपर बेस्ड है कुछ नहीं पूछ रहा है वॉट फ्रैक्शन ऑफ शेयर यानी और वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर डेल्टा डेल्टा फॉर वन कॉल तो यहां फाइंड करना है डेल्टा फर्स्ट में वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टूडे राइट द रिस्फ्री रेट इज टेन परसेंट रिशन्यूट्रल मेथड अपलाई करेंगे जिसको हम लोग बाइनोमिल भी बोल सकते हैं वॉट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन ये मजा आएगा ये बहुत मजा आएगा चलिए शुरू कर देते हैं यह समदउट मच डीलेज ओनली वन ट्विस्ट इन द सम दैट सम प्रोबाबिलिटी वैल्यू इज अटैच सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेंसी इज अटैच टूवर यर एंड हाउ वी विल डील विद इज द फन पार्ट चलिए शुरू करते हैं आंसर के साथ नाउ लेट अस पुट द गिवन डेटा इन प्लेस स्पॉट प्राइस क्या है मालिक सिक्स हंड्रेड स्ट्राइक सिक्स थर्टी टू माई नॉलेज यस फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है टेन परसेंट पर एनम कोई सी सी नहीं कुछ नहीं भाई एग्जाम में दिया है सब में दिया है तो पूछना बताना नहीं तो बात ही नहीं करना उसके ऊपर ठीक गॉट स्पॉट एस सिक्स हंड्रेड May go on to seven eighty. May go down to four eighty. Fair enough. Right. So this is what we have got for ourselves in terms of data. And now first things that first thing that they have asked is the combination of Share an option which provides for perfect hedge is denoted by delta. राइट right. हमने पहले भी सीखा था बायोनॉमियल मॉडल इज दी मॉडल विच प्रोवाइड्स परफेक्ट हेज कंप्यूटेशन ऑफ डेल्टा बाई सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई एस वन माइनस एस टू बहुत आसान सिक्स थर्टी के स्ट्राइक है सेवन एटी गया तो कितना आएगा वन फिफ्टी माइनस जीरो Because at 480, it be exercised. Then, would be deep ऑफ द मनी सेवन एटी माइनस बहुत सिंपल है भाई पॉइंट फाइव मिस्टर दयाल इन ऑर्डर To structure a perfect hedge needs to buy 0.5 shares for every ऑल सोल्ड सलाह भी दे दें इनको रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन यूज भाई क्या क्या बोरोड ठीक तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट फिर क्या पूछा है वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टूडे कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्शन वैल्यू इन शॉर्ट प्रीमियम पूछा है और कुछ नहीं राइट right. So we can do it alternative methods by the delta method. Juman is starting with binomial Otherwise, we can use the probability method. I'll use both. Right. Method one, risk neutral. Computation of probability. Just rush through as I'm using both the methods. And we have practiced it a lot. So 600. Into three months, right? So 10 percent, one point zero two five minus four eighty divided by seven eighty minus four eighty. So, what we've got at hand point four five is the probability as per the probability as per. पहले में बताया गया था आपको कि भाई प्रोबेबिलिटी यहां जो कैलकुलेट की जाती है सिंप्लीफाइड प्रोबेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द परफेक्ट एज सिनेरियो वेयर इन द मॉडल सेज दैट इफ अ प्राइस इज अचीव्ड और लोअर प्राइस इज अचीव्ड इट जनरेट्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न द रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो सत्य वचन बट ये उसकी प्रोबेबिलिटी है अब इन्होंने खुद ही अपनी प्रोबेबिलिटीज बताई है अगर आप चेक करो तो यहां वॉट द ऑपरेटर फेल्ट द चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ सच वेरिएशन आर सिक्सटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट रिस्पेक्टिवली राइट तो सर ये प्रोबेबिलिटी का क्या करेंगे आगे यूज करेंगे अभी नहीं वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन परफेक्ट पोर्टफोलियो एज पर बाइनोमियल और द न्यूट्रल मेथड So, वहां हम लोग और कोई प्रोबेबिलिटीज एंटरटेन नहीं कर सकते हैं राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइस जीरो पॉइंट फाइव फाइव सत्यवचन ठीक कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड गेन जीरो पॉइंट फोर फाइव इन टू बाई सिक्स थर्टी स्ट्राइक है सेवन एटी गया तो वन फिफ्टी मिलेगा करेक्ट वन फाइव फाइव लोअर फोर एटी गया कॉल ऑप्शन एक्साइज होगा नहीं एक्साइज होगा क्यों बिकॉज इट इज आउट ऑफ द मनी परचेजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट इज मच मोर एक्सपेंसिव राइट परचेज इन द मार्केट सो सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नथिंग वो भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड गेन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या आएगा भाई सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो ठीक है ये थ्री मंथ्स के बाद क्या एक्सपेक्टेड गेन है टेन परसेंट है हमारा आर एफ रेट तो ये आ गया हमारा आंसर सिक्सटी फाइव पॉइंट एट फाइव 65 फाइव रुपीज सिक्सटी राइट ये हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है एंड वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टूडे भाई ये भी हमने आंसर कर दिया मैंने आपको बताया था प्रोमिस किया था दूसरी मेथड अच्छा मैं भूल ही जाता चलिए अच्छा हुआ याद आ गया मेथड मैथड टूट बी तो, लाइक ठीक है दो मिनट लगेगा भैया डेल्टा कितना डेल्टा कितना मालिक ठीक है डेल्टा है हमारा पॉइंट फाइव सो बोरोड फंड्स कितना आएगा इक्वेशन सेट करके डालना है सिंपल सेकंड इक्वेशन ले लो फोर एटी वाला सो डेल्टा इंटू फोर एटी माइनस वन पॉइंट ज़ीरो टू फाइव बी इक्वल्स टू जीरो भाई क्या आएगा टू थर्टी फोर पॉइंट वन फोर सिक्स जितना कुछ है वन फाइव डाल देते हैं वन फोर सिक्स है तो वन फाइव लिख देता हूं मैं यहां ये क्या है मेरा बोरोड फंड सत्यवचन राइट तो इतना बोरोड से फंडिंग होगा टोटल कॉस्ट कितना है हमारा कॉस्ट ऑफ शेयर परचेज क्या भाई रनिंग मार्केट प्राइस सिक्स हंड्रेड कितने शेयर खरीदने हैं डेल्टा शेयर पॉइंट फाइव इक्वल्स टू रुपीज थ्री हंड्रेड सोरेस्ट वुड बी फंडेड बाई आर ऑप्शन तो ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी सिक्सटी फाइव पॉइंट सर नाउ, वाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन सर वो प्रोबेबिलिटी दिया है उसका क्या कर रहा है अभी यहां यूज करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरली देखो एक बात आपको बता दे रहा हूं डिस्कलेमर आर एफ जनरेट होता है बाइनोमियल मेथड met से राइट इफ यू यूज बाइनोमियल मेथड और मेथड इट हेल्प्स यू टू जनरेट आर एफ सो टेक्निकली दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न बट ओवर ईयर एक्सोजीनियस प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड की गई है Chances of price going upward or downwards are separately. प्रोवाइडेड इन द सम हमारे पर्पज के लिए क्या है दीज आर ऑपरेटर कंप्यूटेड प्रोबेबिलिटीज शुड नॉट बी यूज वेन कंप्यूटिंग फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कब यूज करते हैं रिटर्न के टाइम This operator thinks that this is possible. He doesn't looks at what the binomial model has to say. he thinks that there is a good 60% chance of the price reaching 780 and a forty percent of chance of the price reaching 480. So we'll apply that expected gains. और पे ऑफ्स कितना आएगा भाई ऑपरेटर ट्रेवेंड प्रोबेबिलिटी कितनी है सिक्सटी उसको लग रहा है सिक्सटी आई डोंट गिव अ टाइम टू व्हाट द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग सो ई इज प्रिडिक्टिंगी परसेंट अपवर्ड ट्रेंड एंड व्हाट विल बी पे ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी सो विच इज नाइन्टी डाउनवर्ड ट्रेंड फोर्टी परसेंट इज हिज प्रिडिक्शन सो यहां ियसली आउट ऑफ द मनी कुछ नहीं होगा नाइनटी रुपीज एस हिज एक्सपेक्टेड रिसीट या उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ और गेन नाउ रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कंप्यूट करेंगे ही हैज इन्वेस्टेड सिक्सटी फाइव पॉइंट एट फाइव टूडे And he'll get probability adjusted 90 rupees at the end of three months. So his expected return would be how much, my dear friends? 36.67%. फॉर थ्री मंथस बट ऑपरेटर की प्रोबाबिलिटी के हिसाब से ऑपरेटर सेम वेरी कॉन्फिडेंट तो भाई तेरे हिसाब से यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन कंसिडरिंग योर प्रोबाबिलिटीज सो ओवर भाई ये तो बहुत अच्छी डील लग रही है बट द ऑपरेटर ड्रिवेन प्रोबेबिलिटीज़ जिसको मैं बहुत बार एक्सोजीनियस या एक्सट्रेंजिक प्रोबेबिलिटीज़ बेस्ड ऑन द अदर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और एनी काइंड ऑफ न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय द ऑपरेटर उसको बोलते हैं दीज आर नॉट रिश न्यूट्रल फार्मूला बेस्ड प्रोबाबिलिटीज़ द रिश्स न्यूट्रल फार्मूला बेस्ड प्रोबाबिलिटीज आर प्र सिम्पलिस्टिक आई एव रिपीटेड टाइम इन अगैन डूइंग इट अगैन दैट वेरी दे आर वेरी सिम्पलिस्टिक एंड दे में नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल ट्रेंड सो so, ये जो ऑपरेटर डिवेंट प्रोबाबिलिटीज है डाल के हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं रिटर्न सो थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इज फॉर थ्री मंथस एंड दट लीड टू समन फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट पर एन एम दिस इज काइंड ऑफ बिजनेस दैर आई वॉन्ट टू डू राइट लेकिन मुझे भी काश ऐसे प्रोबाबिलिटी कंप्यूट करना आता तो रिटर्न में जहाँ भी रिटर्न आ रहा है वहीं हम लोग इसको कंसिडर करेंगे एंड वी वुड नॉट कंसिडर इट टिकल वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्योंकि दैट विल गो एज पर फॉर्मूले, राइट तो उसी मैंने यहाँ नोट भी दिया है ये रहा नोट इंपॉर्टेंट नोट इफ एनोमिल रिस्ट न्यूट्रल कैरीज़ द प्रोबाबिलिटी explicitly एक्सप्लिसिटली स्टिल देन then we need to apply the formula and extract probabilities as per the binomial इन the

भाई लगा के कंप्यूट करके दे दो थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट रिटर्न इन थ्री स्टे हैप्पी राइट तो ये मैंने पहले भी बताया था सो so इस बार वी हैव गॉट अ सम एंड वी हैव डन इट एंड इट्स अ फाइव स्टार सम प्रटी इजी जस्ट नीड टू बी लिटिल केयरफुल डू नॉट यूज सच एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटीज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन यू हैव टू यूज दैट प्रोबेबिलिटीज वेन वेन यू आर कंप्यूटिंग रिटर्न फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन यू हैव टू Extract probabilities yourself from the sum and then apply.